गुड मॉर्निंग दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं विराम चिन्ह के। लास्ट क्लास है हमारी विराम चिन्ह की, और आज हम विराम चिन्ह के बारे में बात कर लेते हैं, ठीक है। और दोस्तों, ये विराम चिन्ह की आज लास्ट क्लास है, और जैसा कि मैंने तीन चार क्लास ली है विराम चिन्ह की, जिसमें पाँच पाँच चिन्हों को एक क्लास में वेरीफाई किया है, अच्छे तरीके से उसको समझाया है बाई एग्जाम्पल, ठीक है। तो आज हमारा देखिए विराम चिन्ह का है 17 नंबर का जो विराम चिन्ह है, ठीक है, उस विराम चिन्ह के बारे में बात करेंगे, जिसे हम कहते हैं समाप्ति सूचक विराम चिन्ह, ठीक है। दोस्तों, जैसा कि मैंने आपको बताया था, जो समाप्ति सूचक विराम चिन्ह होता है, ठीक है, वह उपयोग कहाँ किया जाता है, किस तरीके से उपयोग होता है, इसके बारे में हम थोड़ा सा जान लेते हैं, ठीक है ना। देखिए, जैसे कि जो समाप्ति सूचक होता है, तो यह जो होता है कि इन चिन्हों का उपयोग किसी भी बड़े उल्लेख या किताबों के अंत में किया जाता है, ठीक है। जहाँ पर ऐसा होता है कि या कोई पाठ समाप्त होता है या कोई पुस्तक समाप्त होती है, ठीक है, तो वहाँ पर हम विराम चिन्हों का उपयोग कर देते हैं, ठीक है। तो इस तरीके से हमें यह समझते हैं, और मैं आपको एक एग्जांपल दे रहा हूँ, देखिए कैसे। जैसे कि अगर मैं एग्जांपल दूँ कि जैसे कि आप मान लीजिए जैसे कि रामायण है, ठीक है, रामायण जो समाप्त हो जाती है, ठीक है, तो रामायण जगह जब समाप्त हो जाएगी तो लास्ट में आप अगर देखोगे तो वहाँ पर इस तरीके से, ठीक है, ये तीन एक्स रहेंगे, और इस तरीके से जो चिन्ह है इसका उपयोग रहेगा, या तो कुछ इस तरीके से रहेगा, ठीक है, या तो कुछ इस तरीके से रहेगा, ठीक है। तो इस तरीके से इन चिन्हों का उपयोग होता है, जिसे हम क्या कहते हैं, समाप्ति सूचक विराम चिन्ह, ठीक है। तो अगर आपसे कभी भी एग्जाम्पल में पूछते कि समाप्ति सूचक विराम चिन्ह का इसमें से कौन सा है, तो आप इसमें बता सकते हैं, ठीक है। कल हम विराम चिन्ह के टेस्ट के बारे में बात करेंगे, ठीक है। टेस्ट रहेगा आपका कल विराम चिन्ह का, और आई थिंक 50 क्वेश्चंस 70 क्वेश्चन रहेंगे, तो आप उसे अच्छे तरीके से देखिएगा, ठीक है। हर एक टॉपिक को बताता हूँ और उसके 70 क्वेश्चन करवाता हूँ, ठीक है। और लगभग 2-3 दिन बाद ही या 5 दिन बाद, मतलब मान के चलिए कि अगले सोमवार से हम जो भी क्लास करेंगे वो बोर्ड पर करेंगे, ठीक है। तो चलिए, ये तो हमारा विराम चिन्ह खत्म हो गया। हम देखते हैं एक और चिन्ह है टीका सूचक विराम चिन्ह, ठीक है। अब जो टीका सूचक विराम चिन्ह है उसके बारे में थोड़ा सा हम बात कर लेते हैं, ठीक है। चलिए देखते हैं, इसमें देखिए टीका सूचक विराम चिन्ह लिखा हुआ है, ठीक है, और इस वाक्य इसका उपयोग कहाँ करते हैं, किसी वाक्य की सूचना देने में, ठीक है। जैसे हमें किसी वाक्य की सूचना देनी हो, टीका सूचक का उपयोग हम कहते हैं, ठीक है। तो जैसे कि राम अयोध्या के राजा थे, ठीक है। तो यहाँ पर एक तरीके से अगर मैं बात कर लूँ तो राम अयोध्या के राजा थे, ठीक है। तो यहाँ पर अगर मैं बात कर लूँ तो अगर मैं इस तरीके से इस चिन्ह का उपयोग करता हूँ, ठीक है, जैसा कि इसमें दिया हुआ है, ठीक है, तो इससे क्या होगा कि हम वहाँ पर इस चिन्ह का उपयोग करके टीका सूचक के माध्यम से दर्शा सकते हैं कि राम अयोध्या के राजा थे, ठीक है, उनके बारे में थोड़ा सा वर्णन कर सकते हैं, ठीक है ना। यहाँ पर आपको टीका सूचक समझ में आ गया होगा, जहाँ पर भी इस तरीके से आपको चिन्ह देखे, ठीक है, ये देखिए चिन्ह, ठीक है, जहाँ पर भी आपको इस तरीके का चिन्ह देखे तो आप समझ जाइएगा तुरंत कि यह टीका सूचक का चिन्ह है, ठीक है। और एक और चिन्ह है जिसको हम बोलते हैं पदलोप चिन्ह, ठीक है। अब पदलोप चिन्ह का उपयोग कहाँ होता है, जो पदलोप होता है, ठीक है, पदलोप से आप समझ जाओगे, मतलब पदों का लोप, मतलब एक तरीके से शॉर्ट की बात करोगे, ठीक है। तो अपूर्ण शब्द ना हो जिसका उपयोग होता हो, मतलब कि जैसे मान लीजिए कि भारत में, ठीक है, एग्जाम्पल मैं दे रहा हूँ, ठीक है, ये उदाहरण है, जैसे भारत में भ्रष्टाचार का, ठीक है, और अगर यहाँ पर आपको अगर मैं बात कर लूँ पदलोप चिन्ह का उपयोग करें, ठीक है, जो कि कुछ इस प्रकार से, ठीक है, आप यहाँ पे देख लो, इस प्रकार से लगता है, ठीक है। जैसे कि बहुत लोग, अगर यहाँ पर मैं ऐसे दे दूँ, ठीक है, बारे में क्या कहें,
ठीक है। तो यहाँ पर जैसा कि आपने देखा कि यहाँ पर बात हो रही है कि भारत में जो भ्रष्टाचार है, ठीक है, हमारे देश भ्रष्टाचार बहुत है, तो इसके बारे में आपको कुछ कहने के लिए आपके पास कुछ ऐसे शब्द ही नहीं बचे हैं, मतलब आपके पास शब्दों की मतलब कोई एक तरीके से भंडार ही नहीं है। एक तरीके से आप समझ सकते हैं किसी चीज़ की आप व्याख्या नहीं कर पाओगे, ठीक है। तो मतलब कि इतना ज़्यादा भ्रष्टाचार है कि आप उसे अपने वाक्यों में नहीं बता सकते, ठीक है। मतलब बहुत ज़्यादा है, कभी कभी होता है ना कि इस बात का तो क्या ही कहना, मतलब कि बहुत ज़्यादा इसके बारे में हम कह सकते हैं, जिसके लिए हमारे पास पूर्ण रूप से वाक्य नहीं है, ठीक है। तो जहाँ पे भी आप इसको समझ सकते हैं, जहाँ पर भी इस चिन्ह का उपयोग हो, तो वहाँ पर हम पदलोप चिन्ह का उपयोग करते हैं, ठीक है। तो ये जो चिन्ह है, आज की क्लास में इतना ही था, और ये तीन ही चिन्ह मैंने तीन चिन्ह बचे हुए थे, ठीक है, मैंने बता दिया। और एक चिन्ह जो 20 नंबर का चिन्ह होता है, जो कि इंग्लिश से लिया गया है, ठीक है, तो उसके बारे में कोई भी वर्णन नहीं है, ठीक है ना। तो चलिए मैं आपको एक फ़ोटो दिखा देता हूँ, जिसके माध्यम से आप समझ जाएंगे थोड़ा सा शॉर्टली में कि जो विराम चिन्ह है उसको और भी अच्छी तरीके से थोड़ा सा मैं आपको दिखा देता हूँ, ठीक है। चलिए बात करते हैं उस चिन्ह के बारे में, चलते हैं फोटो की तरफ और देखते हैं किस तरीके से उसे समझ सकते हैं। तो ये देखिए आपके सामने कुछ फोटोज़ मैंने आपको लगाए हैं, ठीक है, विराम चिन्ह के, ठीक है, उसके बारे में हम थोड़ा समझते हैं, ठीक है। तो जैसा कि आप देख पा रहे हैं, यहाँ पर पहला जो हमारा है वह अल्पविराम का चिन्ह है, ठीक है ना। वो अल्पविराम के बारे में थोड़ा सा हम समझते हैं। तो ये आपके सामने देखिए लिखा हुआ अल्पविराम, ठीक है। अगर आपको अल्पविराम को प्रदर्शित करना हो तो इस तरीके से इस चिन्ह से आप प्रदर्शित कर सकते हैं, ठीक है। अर्धविराम में क्या होता है, ये अल्पविराम होता है, ठीक है, और ये जो है अर्धविराम होता है, ठीक है। तो इसको हम इस तरीके से प्रदर्शित करते हैं, ठीक है, और इसे मुझे बनाने की आवश्यकता नहीं है। ये देखिए पूर्ण विराम है, एक तरीके से वाक्य की समाप्ति हो जाती है उपविराम, ठीक है, वो इस तरीके से भी प्रदर्शित किया जाता है। अल्पविराम और उपविराम लगभग सेम ही प्रकार से प्रदर्शित किए जाते हैं, ठीक है। ये देखिए विस्मयादिबोधक है, इसमें जैसे कि आपको आश्चर्य हुआ उस तरीके से, प्रश्नवाचक तो आप जानते ही होंगे, कोष्टक को भी आप जानते हो, कोई इस तरीके से भी कोष्टक होता है और इस तरीके से भी कोष्टक होता है, ठीक है। तो इस तरीके से भी कोष्टक को हम किस प्रकार से प्रदर्शित करते हैं ये आप देख सकते हैं, ठीक है। और एक है हमारा योजक चिन्ह, योजक चिन्ह को हम इस प्रकार से प्रदर्शित करते हैं। और अवतरण चिन्ह और उद्धरण मतलब होता है कि किसी प्रकार का उद्धरण किया गया हो, ठीक है, तो उसे हम इस प्रकार से प्रदर्शित करते हैं। ये सामने आप देख पा रहे हो ये लाघव चिन्ह है, और यहाँ पर दिया है आदेश चिन्ह का वितरण, मतलब एक प्रकार से कि आप किसी चीज़ का मान लो कि यहाँ पर निम्न बातों का वर्णन किया गया है, ठीक है। तो यहाँ पर क्या होता है कि आदेश चिन्ह का उपयोग होता है, जिसे हम क्या कहते हैं विवरण चिन्ह कहते हैं, जिससे कि होता है ना कि उदाहरण, ठीक है। तो आप बहुत लोग ऐसा करते हैं कि ऐसे लगा के ऐसे कर देते हैं, ठीक है, मतलब कि उसके आगे यह बात बताई जा रही है, ठीक है, इस तरीके से यहाँ पर उपयोग हुआ है। रेखांकन चित्र आपको पता ही है, लोप एवं पदलोप, यहाँ पर पदों का लोप होता है, जैसे कि मैंने आपको लास्ट में बताया कि जैसे कि किसी बात को कहने के लिए आपके पास पूर्ण वर्ड ना हो, तब वहाँ पे आप इस चिन्ह का उपयोग करते हैं। पुनरावृत्ति है, जैसे कि राम स्कूल जा रहा है, ठीक है, तो यहाँ पर आपने इस प्रकार से लगा दिया तो आपका क्या हो जाएगा, पदलोप हो जाएगा, और इसे हम बोलते हैं श्रम बचत चिन्ह भी कह सकते हैं, ठीक है। यहाँ से आपका जो इस तरीके से श्रम बचता है। और ये विस्मय और त्रुटिबोधक चिन्ह है, जैसे कि मैंने आपको बताया था राम एक बार से यहाँ लगा दिया फिर दिल्ली जाएगा, नहीं राम कल जाएगा, ठीक है, थोड़ा सा हैंड राइटिंग इस पर अच्छी नहीं लग रही, मैं देखो राम हो गया, ठीक है, यहाँ पे हो गया कल और जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर ये जो चिन्ह है ये पदलोप चिन्ह का उपयोग हम कर सकते हैं, ठीक है। दीर्घ मतलब ये जो कोई डबल मात्रा होती है, दो मात्रा, जैसा कि मैंने आपको बताया था, अगर आप चौपाई पे समझ सकते हैं तो मंगल भवन मंगल हारी करेंगे, ठीक है, मंगल भवन मंगल हारी, तो यहाँ पर एक चिन्ह निकाला गया है और हारी करेंगे, ठीक है, यहाँ पर भी एक चिन्ह, यहाँ पर भी एक चिन्ह, तो इस तरीके से 16 मात्राओं का उपयोग होता है। और यहाँ पर देखिए तुल्यात्मक है, जैसे कि राम 4 बराबर 8 9 बराबर 10, तो इस प्रकार से तुलना की जाती है किसी एक दूसरे की, या आप कह सकते हैं राम बराबर श्याम भी, ठीक है। और यहाँ पर निर्देश दिया जाता है किसी चीज़ का, वहाँ पे इसका उपयोग होता है, ठीक है।
तो इस तरीके से 18 चिन्ह है, 19 चिन्हों का मैंने आपको ऑलरेडी बताया था, ठीक है। और इसमें जैसे कि आपने देखा कि समाप्ति सूचक नहीं है, तो समाप्ति सूचक को हम इस प्रकार से प्रदर्शित करते हैं, ठीक है, तो आप प्रकार से इसे प्रदर्शित करते हैं। तो आज की क्लास इतनी थी, क्लास कैसी लगी मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा, और यदि अच्छी लगी हो तो लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा, ठीक है। मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद, थैंक यू सो मच।